मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी की नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव बिना किसी बाधा के संपन्न हो गया। मंडी नगर परिषद के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष पद पर सभी पार्षदों ने राजनीति से ऊपर उठकर मंडी शहर के विकास के लिए एकजुटता का परिचय दिया, जिसके चलते मंडी जिला भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष एवं पार्षद सुमन ठाकुर आम सहमति से अध्यक्ष चुनी गयी। पीठासीन अधिकारी एसटीएम सदर मदन कुमार ने नगर परिषद मंडी के अध्यक्ष पद के चुनाव की कार्यवाही की अध्यक्षता की। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया शुरू होते हुए सदन से अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों के नाम मांगे, जिसके चलते पार्षदों की ओर से अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र नामांकन सुमन ठाकुर का गया। किसी अन्य पार्षद की ओर से दूसरा नामांकन न जाने की स्थिति में सुमन ठाकुर निर्विरोध मंडी नगर परिषद की अध्यक्ष चुनी गई। इस अवसर पर सुमन ठाकुर ने कहा कि मंडी नगर परिषद के पार्षदों ने राजनीति से ऊपर उठकर उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर वह खरा उतरने की कोशिश करेंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा का भी आभार व्यक्त किया। सुमन ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आशीर्वाद से उन्हें मंडी नगर परिषद अध्यक्ष पद हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और स्थानीय ऊर्जा मंत्री के सहयोग से मंडी शहर के विकास और इस शहर को सुंदर बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। सबसे पहले अपने सभी सहयोगी सम्मान्य पार्षदों का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपना मुझे पूर्ण सहयोग दिया है। और साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूंगी यहाँ के स्थानीय मंत्री जी का, शीर्ष नेतृत्व दोनों पार्टियों का और सामान्य मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, कि जिन्होंने मुझे अपना अपार आशीर्वाद और सहयोग से अध्यक्ष पद के लिए चुना और मेरे पर विश्वास किया। और नंबर 5 की सामान्य जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिन्होंने 3 बार मुझे नगर परिषद पार्षद के रूप में इस नगर परिषद मंडी में पहुंचाया। और मैं आज आप सभी को, पूरे शहर को विश्वास दिलाना चाहूंगी कि अपने सामान्य सहयोगी पार्षदों के सहयोग से, यहाँ की सामान्य जनता के सहयोग से और यहाँ के स्थानीय मंत्री के सहयोग से इस शहर का जितना अध्यक्ष होने के नाते जो मेरी जिम्मेवारी बनती है, मैं पूरा विकास कार्य करवाऊंगी और आप लोगों के बीच में सभी पार्षदों के साथ आपके द्वार तक पहुंचूंगी।